बच्चों, कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। कला और वाणिज्य अर्थशास्त्र में आप भाग 2 राष्ट्रीय आय के से संबंधित समुच्चय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय आय क्या होती है। अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो उसके बाद है आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर के, आपको बता रही हूँ, आप इसकी तैयारी करोगे। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में राष्ट्रीय आय में, मतलब जो राष्ट्रीय आय है, एक वर्ष के अंतिम उत्पादित वस्तु, जो एक वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य से क्या आशय है। तो जो अंतिम वस्तु, मतलब जो अंतिम उत्पादित वस्तु है, उनके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से क्या आशय है। तो वो कैसे आप क्या करोगे, एक वर्ष की उत्पादित जो सेवा मूल्य को आप कैसे, उसका क्या अर्थ है, क्या आशय है। तो उसका मतलब जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य से आशय होता है राष्ट्रीय आय। फिर है किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या को भाग देने से क्या प्राप्त होता है। मतलब जो एक वर्ष है, उस वर्ष में जो पूरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय मिलाकर जो आय बनती है वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के एक वर्ष की जनसंख्या के भाग देने से क्या मिलता है, मतलब क्या प्राप्त होता है। तो आपको बता दूं क्या प्राप्त होता है, शुद्ध घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय संपत्ति, पूंजी, बाजार की कीमत और प्रति व्यक्ति आय। तो एक वर्ष की जो राष्ट्रीय आय से उस वर्ष का भाग देने पर आपका क्या प्राप्त होगा, आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। तो ये होगा इसका आंसर, प्रति व्यक्ति आय। फिर है एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य का योग मिलाता है। एक देश में एक वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य का योग क्या कहलाता है। तो उसके ऑप्शंस है शुद्ध घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है, इनमें से कोई नहीं ना। तो एक वर्ष की जो आय होती है उत्पादित आय, तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग ना तो शुद्ध घरेलू उत्पादन होता है, ना राष्ट्रीय आय होता है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर। फिर है उत्पादन इकाई द्वारा पुनर्बिक्री हेतु खरीदी गई वस्तु या सेवाओं का किया गया व्यय कहलाता है मध्यवर्ती लागत, साधन लागत, उत्पादन मूल्य या अंतिम मूल्य। तो एक उत्पादक इकाई द्वारा पुनः, मतलब फिर से बिक्री हेतु खरीदी गई वस्तु या सेवा पर किया गया व्यय क्या कहलाता है ना। तो इसका आंसर होगा अंतिम उत्पादन मूल्य कहलाता है। फिर है निम्नलिखित में से स्थानांतरण भुगतान कौन सा है। तब जो निम्नलिखित में से स्थानांतरण भुगतान, तो इसके ऑप्शंस है कर, लगान, ब्याज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानांतरण भुगतान उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो जो ब्याज है वो भी स्थानांतरण, लगान, कर भी स्थानांतरण भुगतान नहीं, इसलिए ये क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है प्रचलन अधिशेष से हम क्या समझते हैं। प्रचलन अधिशेष, जो प्रचलन अधिशेष है उसमें पूंजी की आय, आप पूंजी की आय हो गई, भूमि की आय हो गई, उद्यम आय हो गई या उपयुक्त सभी। तो प्रचलन अंतिम शेष में जो है भूमि से आय, आपको जो भूमि से आय प्राप्त होती, प्रचलन अधिशेष से हम क्या समझते हैं, वो प्रचलन अधिशेष में आपको भूमि की जो आय है। फिर राष्ट्रीय आय लेखांकन में जिसे विशेष समावधि से मापा जाता है, जो राष्ट्रीय आय है वो किस लेखा जिसमें विशेष समावधि में जो क्या कर सकते हैं, मापते हैं, उसमें स्टार सम। तो इस
प्रवाह, तो प्रवाह को विशेष समा अवधि भी क्या कर सकते हैं, मापा जाता है। फिर राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो राष्ट्रीय आय है उस प्रणाली का, लेखा प्रणाली का जन्मदाता गैग्लिटिंग, रॉब स्पेसिओली, सर विलियम पेटी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको राष्ट्रीय आय में मापन के मतलब जो जन्मदाता है उसे किसे मानते हैं, वह है ए, आपका आंसर है गैगरी की। फिर है प्रतिनिधि आय की गणना की जाती है जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर, मतलब जनसंख्या का उसमें क्या है राष्ट्रीय आय का भाग देने पर, या जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को घटाकर, जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का गुणा करके, या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है वह है राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का आशय क्या होता है? तो देश का कुल उत्पादन, विश्व की कुल उत्पादन, या देश का वास्तविक उत्पादन, या देश की सरकार से प्राप्त आय। तो जो राष्ट्रीय आय का आशय होता है, राष्ट्रीय आय का आशय होता है देश का वास्तविक उत्पादन, मतलब जो वास्तविक उत्पादन हुआ उसके विपरीत जो राशि उस राष्ट्रीय आय का आशय। फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है कुल राष्ट्रीय आय में घिसावट एवं फूट-फूट का खर्च, फिर कुल राष्ट्रीय आय हस्तांतरण, कुल राष्ट्रीय आय शुद्ध विदेशी आय, या कुल राष्ट्रीय आय व्यय। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का अभिप्राय होता है कुल राष्ट्रीय आय अभिसावट पे टूट फूट खर्च। भारत में राष्ट्रीय आय मापने की उपयुक्त विधि क्या है? वो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने की उपयुक्त विधि है कौन सी है? उत्पादन प्रणाली या आय प्रणाली, व्यय प्रणाली या उत्पादन प्रणाली। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की उपयुक्त विधि है उत्पादन प्रणाली भी है और उसकी आय भी। तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसको मिलाकर राष्ट्रीय आय मिलती है, और जो मतलब पूरा उत्पादन, देश का वास्तविक पूरा उत्पादन मिलाकर जो आय प्राप्ति, तो भारत की राष्ट्रीय आय मापने की उपयुक्त प्रणाली क्या होगी? उत्पादन प्रणाली या आय प्रणाली। फिर है रिक्त स्थानों की, ये आपके लिए एक एक नंबर के प्रश्न है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का क्या आशय है? तो राष्ट्र में जो देश का वास्तविक उत्पादन है उसका, मतलब जो राष्ट्रीय आय का आशय है देश का वास्तविक उत्पादन। फिर है दूसरा, किसी देश की वस्तु निष्ठ आय का व्यवहार जिससे क्या करते हैं मुद्रा को मापा जाता है, तो वह क्या होती है? काय से अपन किसी देश की वस्तुनिष्ठ आय का व्यवहार जिससे मुद्रा से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर है भारत भारतीय राष्ट्रीय आय लेखांकन का संबंध किससे होता है? जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का संबंध है स्टॉक से होता है, कैसे होता है स्टॉक। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस सन में हुआ? तब जो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ वह किस सन में हुआ? वह हुआ 1949 में। किस सन में हुआ? 1949 में इसका क्या हुआ गठन हुआ। फिर कुल घरेलू उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा, मतलब जो कुल घरेलू उत्पादन है उससे मूल्यह्रास को घटाकर जो रकम प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पादन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पादन कहते हैं। जो आपके कुल घरेलू उत्पादन है उससे मूल्यह्रास को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगी? शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या होगा आपको उसे कहते हैं। फिर ब्याज वेतन लगान का योग, फिर ब्याज वेतन लगान
का योग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? आय गणना विधि। मतलब जो ब्याज है, वेतन है, लगान है, इन सबको योग से राष्ट्रीय आय का क्या करते हैं? अनुमान लगाने पर क्या प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? ये कहलाती है आय गणना विधि। क्या कहलाती है? आय गणना विधि कहलाती है। फिर है पेंशन पर किया गया व्यय। तो जो पेंशन का किया गया व्यय होता है वह है हस्तांतरण भुगतान। क्या कहलाता है? हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। फिर है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान खालिस्तान ने लगाया। तो जो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वह कौन थे? वह थे दादा भाई मोरारजी। दादा भाई मोरारजी थे जो उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का सबसे पहले क्या करा था? अनुमान लगाया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई 1952 में। कब हुई? 1952 में सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। फिर है आय देश की आर्थिक विकास का सूचक होती है। मतलब कोई भी देश के विकास के लिए सबसे मुख्य जो आय है वह कौन सी है? राष्ट्रीय आय। तो जो राष्ट्रीय आय है वह क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास का क्या है? सूचक होती है। ये आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है, एक नंबर। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद करना है। उसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाने के लिए आपको सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? राष्ट्रीय आय। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन इसका आंसर होगा, इसका पहले का आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पादन धन निर्यात माइनस आयात। फिर है विशुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो विशुद्ध राष्ट्रीय आय होती है सकल राय जो सकल राष्ट्रीय आय है उससे क्या करेंगे? घिसावट व्यय को घटा देंगे। तो आपको क्या होगा? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पता चलेगा। फिर आर्थिक विकास का सूचक क्या है? तो आर्थिक विकास का जो सूचक है वह है आपका राष्ट्रीय आय। आपका आर्थिक विकास का सूचक क्या है? राष्ट्रीय आय। फिर है सकल घरेलू उत्पादन क्या है? तो जो सकल घरेलू उत्पादन है वह ये है जीडीपी और मूल भाग। तो आपका चौथे नंबर का हो गया। फिर निजी उद्यम से प्राप्त होता है। आपको निजी उद्यम से क्या प्राप्त होते हैं? आपको निजी उद्यम से आपको प्रचलन अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। तो छठवां नंबर पर है सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था में पेंशन। मतलब जो आपको सरकार द्वारा जो वह पेंशन प्राप्त होती है वह कैसे प्राप्त होती है? चालू स्थानांतरण से क्या होती है? प्राप्त होती है। फिर है शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या है? फिर है अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनका मौद्रिक मूल्य होता है आपका राष्ट्रीय आय में केवल उनको क्या करते हैं? सम्मिलित किया जाता है। जो अंतिम वस्तुओं की मौद्रिक मूल्य आय में सम्मिलित किया जाता है उसको केवल राष्ट्रीय आय में केवल उसको क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। फिर है मजदूरी। तो जो मजदूरी है वह क्या है? मजदूरी आपका साधन आय है। तो मजदूरी आपको मतलब कोई भी चीज मतलब जो आपको प्राप्त हो रही है साधन आय। वह कैसे प्राप्त हो रही है? आप किसी कार्य को करेंगे, मजदूरी करेंगे, श्रम दान करेंगे तो आपको
व्यवहार है, मजदूरी जो है आपकी क्या है, साधन आय है, ये नौवां आंसर हो गया। फिर दोहरा गणना की समस्या क्या है, जो दोहरा गणना है उसकी समस्या क्या है, तो वह है राष्ट्रीय आय गणना की उत्पादन विधि, जो दोहरी गणना होती है वह क्या के लिए है, दोहरी गणना की समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। फिर है छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति क्या है आपकी, छात्रवृत्ति हस्तांतरण आय है, क्या है हस्तांतरण आय जो है वह क्या है छात्रवृत्ति। फिर साधन आय क्या है, साधन आय आपकी है राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि, तो ये सही जोड़ियां हो गई। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ोगे और याद करोगे। फिर है सत्य असत्य बताइए, सत्य असत्य बताइए। तो राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है, तो जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने जो राष्ट्रीय आय होती है वो प्रति व्यक्ति आय बनाकर बनती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर है सकल उत्पादन के मूल्य में, मैं से मूल्य हास को घटा देने पर शुद्ध लाभ क्या होता है, प्राप्त होता है, तो जो सकल लाभ जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें से मूल्य हास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, नहीं ये असत्य है। फिर है उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, सम्मिलित किया जाता है, तो आपको किसी ने उपहार दिया क्या आप उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करोगे, नहीं, ये भी क्या है असत्य है। फिर है मूल्य वृद्धि विधि के उत्पादन विधि कहा जाता है, जो मूल्य वृद्धि होती है वह क्या होती है, उत्पादन विधि होती है, तो ये क्या है सत्य है। पूरक आय मध्यवर्ती उपभोग है, तो जो पूरक आय होती है वह क्या होती है, मध्यवर्ती उपभोग होती है, हाँ ये सत्य। फिर है एक देश की राष्ट्रीय आय उसकी प्रगति का सूचक नहीं होती, मतलब एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी क्या होती है राष्ट्रीय आय, अभी मैंने आपको बताया था कि एक मतलब एक देश की राष्ट्रीय आय उसके आर्थिक विकास का क्या होती है, सूचक होती है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, एक देश की राष्ट्रीय आय किसी व्यक्ति की नहीं, राष्ट्रीय आय उसकी प्रगति की सूचक नहीं होती है, ये गलत है, ये असत्य। मतलब राष्ट्रीय आय जो होती है प्रगति मतलब वहाँ की प्रगति का क्या है, सूचक होती है। शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में क्या होती है, जो शिक्षा होती है और जो प्रशिक्षण होते हैं वो राष्ट्रीय आय नहीं, ये क्या है। छोटे छोटे प्रश्न हो गए एक नंबर की, उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर राष्ट्रीय आय का अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए, मतलब जो राष्ट्रीय आय है वह उसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए किया जाता है, तो ये क्या है असत्य है। फिर भारत में लेखा वित्तीय वर्ष को माना जाता है, हाँ जो भारत का लेखांकन वर्ष है वित्तीय वर्ष के लिए होता है, ये हो गया सत्य। राष्ट्रीय आय प्रवाह का उदाहरण है, जो राष्ट्रीय आय है वह क्या है प्रवाह का उदाहरण, ये गलत है, ये असत्य। फिर है स्टाफ में परिवर्तन अंतिम स्टाफ और माइनस प्रारंभिक, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर है एक शब्द में उत्तर दीजिए, उस आय का नाम बताइए जिसमें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, तब उस आय का नाम बताइए जो राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं सम्मिलित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साधन आय, उसे कहते हैं साधन आय।
वाली शुद्ध आय का योग कहलाता है। तो जो घरेलू आय है, घरेलू उत्पादन है और विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय है उसका योग कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। परिवर्तन करना कहलाता है। वह आता है आपको जो कच्चा माल है उसको आप निर्मित माल में परिवर्तन करते हैं तो वह किस क्षेत्र में आता है? वह आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है। लाभ का एक भाग जो अंशधारियों से बांट दिया जाता है, जो लाभ का जो एक भाग होता है अंशधारियों बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाभांश। लाभांश कहते हैं। फिर है अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक में अंतर कहलाता है। तो उसमें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे स्टॉक परिवर्तन। उसे कहेंगे स्टॉक परिवर्तन। कृषि, वन, खनन, मछली पालन आदि अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में आते हैं? मतलब जो कृषि है, वन है, खनन है, ये सब क्या में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। फिर है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की जानकारी किससे मिलती है? तो वह कैसे प्राप्त होती है? जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी जो आर्थिक क्रियाओं की जानकारी है वह आपको कैसे प्राप्त होंगी? श्वेत पत्र से। क्या होंगी? प्राप्त होंगी। कैसे प्राप्त होंगी? श्वेत पत्र से। श्वेत पत्र से प्राप्त। राष्ट्रीय आय की माप में कितनी विधियां होती है? तो राष्ट्रीय आय की माप की तीन विधि होती है, आय विधि, व्यय विधि। कितनी विधि होती है? तीन विधि होती है। फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में अर्थव्यवस्था के उत्पादन कार्यों को कितने भागों में बांटा विभाजित किया गया है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसको भी आप बताऊं तीन भागों में बांटा। फिर है प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है? उच्च स्तर का होता है। किसी देश की या किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी तो वहां पर जो वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा? उच्च तक उच्च स्तर का होगा, उच्च स्तर का या ऊंचा होगा। फिर है राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना है वर्ष में कितनी बार की जाती है? केवल एक बार। कितनी बार की जाती है? एक बार की जाती है। तो ये छमाही परीक्षा के लिए आपके कुछ एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप इनको याद करोगे, रिवाइज करोगे। धन्यवाद।